हम स्टार्ट करें हमारा सेल्फ केयर रूटीन। सो ये मैंने पूरा ट्रे अपना पूरा ऑर्गेनाइज कर रखा है। यहाँ पे रॉ मिल्क, हमारा टोनर, विटामिन सी मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, आलमंड ऑयल, हेयर ऑयल, इसके बारे में बताती हूँ, फेस वॉश, मुल्तानी मिट्टी, हमारा बेसन एंड ये मेरे कॉफ़ी के बीन्स थे मेरे पास, उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, पाउडर बना दिया ये रहा। एंड यस लेट्स गो। ओके सो मेरी जो स्किन है इस पर थोड़े थोड़े एक्ने आए हैं एंड यहाँ पे ब्लैकहेड्स हो रहे हैं, यहाँ पे डैमेज हुई है स्किन, यहाँ डैमेज हुई है और मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रफ। सो पहले हम बालों का करते हैं, उसके बाद हम अपने फेस पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है बॉइल्ड मेथी वाटर और ये मेरे पास है एक स्प्रे बॉटल। सो अभी मैं इसको इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बालों का केयर करें। ये स्प्रे बॉटल मुझे अमेजोन से मिली थी। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है ये हेयर ऑयल, ये मैंने बड़ा सुना था, इट्स आयुर्वेदिक ऑयल, बादल करके कुछ मैंने किसी रोड पे लाइक कोई ढाबे से हमने पिक करा था, मैंने सुना है इसके बारे में बहुत और ये काफी अच्छा काम भी कर रहा है। सो यस लेट्स ट्राई। इसको सिर्फ मैं रूट्स पे लगाऊंगी। ओके, मैंने अपना एक ऑयल बनाया हुआ है बट वो फिनिश हो गया है, सो हम उसकी जगह ये वाला ऑयल अभी यूज कर रहे हैं। जब टाइम मिलेगा तब वो बनाऊंगी। मैं बहुत जल्दी कुछ प्लान कर रही हूँ लॉन्च करने का, सो लेट्स सी कब तक चीज़ें आती हैं, वर्क करती हैं। अब थोड़ा सा हम इसको और ऐड कर लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हेयर मास्क, डीप कंडीशनिंग मास्क, कोई सा भी आप कंडीशनर डीप कंडीशनिंग मास्क आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट इतना यूज करा है एंड इस मास्क को हम स्कैल्प पे नहीं लेके जाएंगे, जस्ट एंड में फिनिश्ड। ओके, रिसेंटली ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू है क्योंकि इससे मेरा हेयर फॉल बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ है। सेकेंड इज ये चीप बहुत है एज़ कम्पेयर टू जितने भी फैंसी शैम्पूज हैं मार्केट में। मैंने हर टाइप का शैम्पू यूज़ करके देख लिया बट इसका रिजल्ट अमेजिंग है, अमेजोन पे ये मिल रहा है एंड बहुत 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 अच्छा शैम्पू है। मुझे याद है इसका ऑयल आता था पहले जब मैं छोटी हुआ करती थी, सो इसका ऑयल हम लोग यूज़ करते थे एंड उससे बाल बड़े अच्छे हो जाते थे, बट अब इसका शैम्पू भी आ रहा है तो मैंने इसका शैम्पू यूज़ करा, ऑयल मैं अपना ही यूज़ करती हूँ जो मेरे घर पर है। नाउ लेट्स मूव टू द स्किन केयर रूटीन। सो सबसे पहले क्या है, मेरे फेस को बहुत ज़्यादा मुझे डस्ट फील हो रहा है, सो यहाँ पे मेरे पास है ऑयल, आलमंड ऑयल एंड कोई भी आलमंड ऑयल आप ले सकते हो, तो मैंने लिया दो से थोड़ा सा आलमंड ऑयल। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे कॉफ़ी, कॉफ़ी बीन्स की मेरे ख्याल से मेरे को किसी ने भेजी थी मेरी किसी क्लाइंट ने, सो उसको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से। अब ऐसे हम फेस का स्क्रब करेंगे। टू बी ऑनेस्ट इससे आपके जितने भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं वो मेरे तो रिमूव हो ही जाते हैं। ओके नाउ लेट्स रिमूव दिस। ओके नेक्स्ट इज फेस वॉश, ये मेरा ऑल टाइम गुड टू गो फेस वॉश सेट ऑफ का। आफ्टर फेस वॉश हम बनाएंगे एक बहुत अच्छा सा होममेड मास्क। ओके, इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे हमारा मुल्तानी मिट्टी, नेक्स्ट थोड़ा सा बेसन, बहुत ही थोड़ा सा। ओके नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा रॉ मिल्क। ओके, अब इसका हम खूब अच्छे से मिक्सचर बनाएंगे, मिक्स 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 मिक्स। ओके सो इट्स रेडी। अप्लाई करने के बाद इसको हम फुली ड्राई नहीं करेंगे, सेमी ड्राई, अदरवाइज इसको रिमूव करने में बहुत टाइम बच जाती है।
है सो उसको हम रेस्ट करेंगे एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स, उसके बाद हम इसे रिमूव करेंगे। हेयर ऑयल हम रखेंगे 30 मिनट्स, उसके बाद हम उसे भी रिमूव करेंगे। ओके नाउ इट्स सेमी ड्राई, इसको हम रिमूव करेंगे। ओके नेक्स्ट आफ्टर फेस मास्क हम आइसिंग करेंगे खूब अच्छे से। पहले से स्किन काफ़ी ठीक हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है टोनर सेटाफिल का टेस्ट, ओके नेक्स्ट हमारा विटामिन सी का सीरम और क्रीम। ओके लास्ट हमारा सनस्क्रीन। ओके सो हेयर वी गो, हेल्दी स्किन एंड हेल्दी हेयर। मैं इस पर कोई भी रिबॉन्ड या फिर कैरेटिन ट्रीटमेंट कराने के फेवर में नहीं हूँ। मेरे रियल जो बाल है इट्स लाइक मैगी कर्ली बाल, एंड मैंने पूरा दिन अच्छे से रेस्ट करा था एंड लॉट्स ऑफ वाटर, गुड डाइट एंड रिजल्ट इज फ्लैट बेली, फ्लैट। Okay, bye.